नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बीजेपी ने हरियाणा लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सिरसा लोकसभा के लिए बीजेपी नेत्री सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है। सुनीता दुग्गल को टिकट मिलने की सूचना मिलते ही उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। वहीं सुनीता दुग्गल ने भी टिकट दिए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज हिंदू नववर्ष और बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्हें टिकट देकर के केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर जताया है वो उस पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि सिरसा में हमेशा से ही परिवारवाद की राजनीति हावी रही है। वह इसके अलावा केंद्रीय योजनाएं जो है वो धरातल तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए उनकी प्राथमिकता केंद्रीय योजनाओं को धरातल तक लाना और सिरसा का नाम रोशन करना है। वहीं उन्होंने कहा कि सिरसा के लोग बहुत अच्छे हैं और इस बार सिरसा में पहली बार कमल खिलेगा। आप देख रहे हैं पलपल की ये विशेष रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने बलिदान के साथ जो आज इस पार्टी का जो गठन किया था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मौके पर और नव वर्ष जो है हमारा नवरात्रि शुरू है और इस शुभ अवसर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी जो पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी है उसने और हमारा जो हरियाणा का नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला, इन सब ने मिलकर मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो टीम है सिरसा की हमारी बहुत जबरदस्त टीम है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की हमारी बहुत अच्छी टीम है। मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर अब की बार यहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ की राजनीति जो है वो परिवार में ही उलझ कर रह गई है। जो केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर सही तरह से नहीं पहुंच पाती, तो मुझे लगता है कि हमें ये जरूरत है कि हम केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनको सही तरह से धरातल पर पहुंचाएं यहाँ पर और यहाँ पर हम धरातल पर रहकर काम करें। बहुत अच्छे और भोले और बहुत ही प्यारे लोग हैं सिरसा के, लेकिन उनका मैं कहूंगी कि एक तरह से शोषण ही हुआ है। जो आज तक जो है जिस तरह का विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ पर हुआ नहीं है। हमारी पूरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सिरसा जो है वो पूरे हिंदुस्तान के जो है मानचित्र पर अच्छी तरह से नजर आए, यही हमारी प्राथमिकता नजर।